एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो या इट्स मनाली, और जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम क्रिएट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे मेकअप लुक, जो कि है हमारे फ्लैग के जो कलर है उससे इंस्पायर होने वाला है। तो जो जो आप में अपने आईज पे आप देख सकते हो जो कलर है मैंने वो पूरे यूज़ किए हैं, और जो ये मेकअप है जो मैंने क्रिएट किया है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, सो जो फर्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है प्राइमर, जो कि आपके पास अगर प्राइमर अवेलेबल ना हो तो आप एलोवेरा जेल जो है उसका भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी जो आपका मेकअप है वो काफ़ी देर तक स्टे रह सकता है, मतलब बहुत देर तक रह सकता है। क्योंकि इसके पहले जब मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती थी तब मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ करती थी, क्योंकि वो जो है वो बहुत अच्छा, जो आपके ओपन पोर्स वगैरह है उनको बहुत अच्छे से जो है क्लोज कर देता है। तो एज अ प्राइमर जो एलोवेरा जेल है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और बहुत अच्छा यूज़ में आता है, तो आप एज अ उसे भी एक ट्राई दे सकते हो। सो जो नेक्स्ट है वो है फाउंडेशन, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का इन द शेड 310, और जो फाउंडेशन है तो जो फाउंडेशन है वो आपको ऑलवेज जो है आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि जो फाउंडेशन है उसमें अगर आपने ज़रा से भी आपके स्किन के मतलब शेड के हिसाब से नहीं रहा तो वो आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा जो पैची पैची लुक होता है ना वो दे सकता है, जो कि आप पे मतलब बिल्कुल भी अच्छा लगेगा और ऐसे दूर से ही दिखने लगेगा कि आपने जो है वो मेकअप किया है या फिर आपने जो है अलग से कोई लेयर जो है आपकी स्किन पर लगाई है। तो जो आप फाउंडेशन है वो ट्राई करें कि आपकी जो स्किन है उसके जो मतलब जो भी शेड है आपकी स्किन का उसके अकॉर्डिंग ही हो, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, तो हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। ओके, तो जो मैं जितने भी प्रोडक्ट ये यूज़ कर रही हूँ वो मैं भी शायद मैंने जो purple.com है उस पर से ऑर्डर किए थे, तो उसका भी हॉल बहुत ही जल्दी मेरे जो चैनल है उस पर आने वाला है। तो जितने भी आज मेरे प्रोडक्ट इस मेकअप में मतलब जो इंडिपेंडेंस डे का मेकअप लुक है उसमें जो यूज़ किए हैं वो सारे के सारे मैंने purple.com से मंगाए हैं, तो उनका सबका हॉल भी बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो स्टे ट्यून विथ मी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कंसीलर, जो कि है मतलब जो कंसीलर है वो आपके जो ये डार्क सर्कल्स वगैरह या फिर यहाँ पे मेरे को एक स्पॉट है पिंपल का उसको हाइड करने के लिए होता है, तो हम अभी बस उन्हें हाइड करते हैं अभी। क्योंकि जो ये कंसीलर है उसके वजह से जो हम आई पे जो भी मतलब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन लुक में आपको दिखाई देगा, जो कि ये कंसीलर है उसी के वजह से। तो जो हमारा बेस है उसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर से सेट कर लेंगे।
सो लेट्स मूव टू द आई शेडो जो कि है हमारा इंडिपेंडेंस लुक में, जो कि आज का हमारा जो कलर थीम है वो है ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। तो जो कि मेरा पूरा आज का फोकस अपने आईज पे होगा, तो मैं बस बेसिकली ये थ्री कलर ही यूज करने वाली हूँ अपने आईज के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो है मैं अपने आई शेडो के लिए ये दो ब्रश ही यूज़ करने वाली हूँ, ताकि मैं इससे ये दोनों से ही अपना जो आई शेडो लुक है, मतलब जो आई लुक है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो ओके, बेसिकली स्टार्ट करते हैं ऑरेंज वाले से, मतलब ऑरेंज कलर से। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो है ब्लशर। तो कि जो ब्लशर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये ब्लशर पैलेट। तो ब्लश हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस जस्ट यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब पूरे चीक पे नहीं लगाएंगे। ओके, फॉर द हाइलाइटर आई एम अगेन यूजिंग द सेम पैलेट ऑफ स्विस ब्यूटी, क्योंकि इसमें जो ये वाला पैलेट है उसमें मतलब ब्लश और हाइलाइटर जो है वो साथ में ही आते हैं, तो मैं बस उसी से अपना जो हाइलाइटर है वो यूज़ करने वाली हूँ।
ओके, तो जो हमारा आईज है उस पर ही आज का सारा फोकस है, मतलब आज का जो मेकअप लुक है उसका सारा फोकस जो है वो हमारे आईज पे है। तो जो लिपस्टिक का शेड है वो मैं काफ़ी सटल या फिर न्यूड रखने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज का लुक था वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस डे के अकॉर्डिंग था। जो मैंने अपना आई मेकअप क्रिएट किया है वो कम्प्लीटली जो इंडिपेंडेंस डे है आप उससे उस दिन भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप जो नॉर्मली है उसे तभी भी आप जो ये आई लुक है या फिर मेकअप लुक है आप क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।